प्राइस गाड़ी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीचर ऐसे दे रखे हैं जिनमें कॉस्ट कटिंग कर रखी कंपनी ने, और कुछ ऐसे दे रखे जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी दे रखे, ठीक है। कंपनी वाले को टाटा से सीखना चाहिए टिगोर के अंदर अपने, लेकिन इस गाड़ी में ना पीछे ज़्यादा कंफर्ट दिया जाता है, एक रिक्वेस्ट से देखने को मिल जाता है, वो भी ड्राइवर साइड पर यहाँ पे आता, लेकिन हुंडई ये चीज़ नहीं कर रही। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। आज लेके आए हैं भी आपके लिए हुंडई ओरा। आज इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स के बारे में बात करें, क्या क्या इस गाड़ी के अंदर अच्छा मिलता है, क्या क्या इस गाड़ी के अंदर गलत चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आप कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए इस पे लगा रहे हो, क्या आपके लिए वो बेस्ट चीज़ होगी, तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये गाड़ी भाई जो CNG के ऊपर टॉप वेरियंट है, और ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस देखे तो 9-10 लाख 9.5 लाख के आसपास आपको मिल जाती है, लेकिन इस गाड़ी में बहुत से फीचर्स के ऐसे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है लेकिन दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो भाई स्पॉइलर का, ये देखो तो भाई इसके सेगमेंट के वगैरह किसी गाड़ी में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर ये दे रखी। चलो अच्छी भी है लेकिन बुरी भी है, क्योंकि भाई इसका ना तो इतना प्रैक्टिकल यूज़ देखा तो कोनी, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं। लेकिन दूसरा देखा तो भाई दूसरा जो इसमें नेगेटिव चीज़ है, ये देखो भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। इसकी जगह अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर पर काम करे वो बहुत ज़रूरी है, इसका इतना ज़रूरी यूज़ नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है हुंडई की। चाबी देखा तो भाई चाबी बड़ी अच्छी है, इसमें चाबी अपने लॉक अनलॉक और बूट ओपन हो जाता है, लेकिन बूट ओपन होने के बाद में भी इसमें एक बहुत बड़ा मेजर मिसिंग अपने देखने को मिलती है, और वो बहुत गंदी भी लगती है। देखो बूट ओपन करता हूँ मैं, बूट ओपन हो गया, लेकिन जैसे आप बूट ओपन करते हो और अंदर देखते हो ये क्या है, यहाँ पर 100, 200, 300 मैक्सिमम 500 रुपये लगा के कपड़ा आराम से ढक जाता, लेकिन हुंडई ये चीज़ नहीं कर रही, और ये पीछे से बिल्कुल खाली देती है, बहुत गंदा लगता है जब बूट ओपन होता है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ना कॉस्ट कटिंग कर भी नहीं रही, जिन जो चीज़ होनी चाहिए उनकी तो कॉस्ट कटिंग कर रखी है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो लगा के दे रखी है कंपनी ने। और दिखाऊं दे भाई आपको इस गाड़ी में कीलेस एंट्री देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, वो भी ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर कंडक्टर साइड दिखाऊं तो मैं आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एक चीज़ और दिखाऊं तो मैं आपको, वो है अगला इसका जो नेगेटिव फीचर है। देखो अभी गाड़ी को मैं लॉक करता हूँ, लेकिन जो ये ORVM है ये फोल्ड नहीं होते, ऑटो फोल्ड नहीं है ना ही अनफोल्ड है, ये अपने को अंदर से ही करने पड़ते हैं। देखो अब अंदर से करें, अंदर से भी करते वक्त ऐसे नहीं कि एक बटन दबाव हो जाएगी, यहाँ पर ये बटन है, अब मैं इस बटन को, ये इसका बटन है, दबाए रखूँगा तब ये फोल्ड होंगे, ठीक है ना। ये देखो मैं एक बार दबाया, अनफोल्ड हो जाते हैं लेकिन फोल्ड नहीं होते, ये देखो एक बार दबाने के बाद, तो इसके आपको दबाना पड़ता है तभी ये फोल्ड होते हैं। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट लगा ना, वो इसकी हेडलाइट पे लगा। अगर इसके हेडलाइट वगैरह देखा तो सिंपल बल्ब वगैरह दे रखा है, इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी होगी वो। एक और है इसके अंदर फॉग लैंप देखने को नहीं मिलते, सिंपल यहाँ पर आपको ये लाइट देखने को मिलती है। फॉग लैंप इस गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर देखो तो मार्केट की और गाड़ियों के अंदर फॉग लैंप अपने को देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर ना अपने को प्रोजेक्टर एलुजन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ बल्ब वाला सिस्टम दे रखा है, वो पीड़े लट्टू दे रखे हैं। यही बड़ी मेजर मिसिंग लगी इस गाड़ी के अंदर, और जो आपको जो कमियाँ हैं वो इसके अंदर जाके दिखाते हैं क्या क्या देखने को लगती है। एक देखो भाई अगर फ्रंट में देखा तो भाई जो फ्रंट एडजस्ट है ना वो अपने को एडजस्टेबल नहीं देखते, फिक्स मिलते हैं, लेकिन रियर वाले अपने को एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस गाड़ी में ना पीछे ज़्यादा कंफर्ट दिया जाता है, पीछे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है लेकिन आगे नहीं, अगर ये चीज़ इसके अंदर आगे भी होती तो इसमें ज़्यादा कंफर्ट होता और आगे भी। ये देखो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दे रखा है भाई, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं आता। कम से कम अगर इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस देखे तो हमने 9.5-10 लाख के आसपास चली जाती है, लेकिन यहाँ पे इन कंपनी वाले को टाटा से सीखना चाहिए, टिगोर के अंदर अपने को इंस्ट्रूमेंट डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, टिगोर और टियागो के अंदर भी, ठीक है। एक चीज़ भाई अगले जो नेगेटिव पॉइंट लगा, ये यहाँ पे USB के थ्रू फ़ोन कनेक्ट होता है, ठीक है, ये भी भाई इतनी गलत चीज़ लगी इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि प्राइस गाड़ी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीचर ऐसे दे रखे हैं जिनमें कॉस्ट कटिंग कर रखी कंपनी ने, और कुछ ऐसे दे रखे जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी दे रखे, ठीक है। अगला जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा वो लगा भाई इसका ग्लोव बॉक्स ओपनिंग बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, देखो खुलते हैं ऐसे पड़ता है, भाई ये क्या चीज़ है, इससे थोड़ा बहुत तो सुधार कर लो हुंडई, ऐसी चीज़ दे रखी है, अब इसको लॉक करना लॉक करना सीधा नीचे आके पड़ता है, और ना इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस। ये चीज़ सीखनी चाहिए इनको टाटा से, क्योंकि टाटा की हरेक गाड़ी में ग्लोव बॉक्स कोई सी भी गाड़ी उठा लो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चीज़ ऐसी भाई इस प्राइस रेंज में टाटा आपको देता है, लेकिन हुंडई मारुति वगैरह आपको चीज़ नहीं देते। हाँ ये गाड़ी की एक बात माननी पड़ेगी, CNG के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज देती है इसके सेगमेंट की गाड़ियों में, और इस गाड़ी में जो CNG टैंक है वो सबसे बड़ा CNG टैंक अपने को देखने को मिलेगा, नॉर्मल मारुति
टिगोर के जो इस सेगमेंट की गाड़ी है। और दिखाऊं इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो दिखाता हूँ आपको। कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, नेगेटिव बहुत हो चुके हैं। यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलती है दो, लेकिन दोनों के दोनों पीले लट्टू एलोजन दे रखे हैं। ठीक है, ये तो कम से कम सुधार लेते हैं, चाहे एक दे देते, एलईडी दे देते, दो तो दे रखी, लेकिन एलईडी कोई सी भी नहीं देखने को मिल जाती। ये बात हो गई भी अब तक इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, गाड़ी के अंदर अपने को अच्छा क्या क्या देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती हैं। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अच्छा नहीं है, डिजिटल नहीं दे रखा, लेकिन कंट्रोल दे रखे ना वो यहाँ पे डिकड़े वाले वो डंडूक से ऐसे नहीं देखने को मिलते, यहाँ पे अपने स्टेयरिंग को देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ अच्छी चीज़ लगी। यहाँ से अगर कोई नया बंदा बैठता है तो उसको ये भी लगता है कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दे रखे अपने को। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊँ तो भाई, इस गाड़ी की जो क्लच है ना वो बहुत ही सॉफ्ट क्लच, बहुत सॉफ्ट क्लच इस गाड़ी की। और इसके अंदर आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है। क्लच के मामले में ना गाड़ी बहुत 100 के 100 है, गाड़ी बिल्कुल सॉफ्ट क्लच आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। अंदर अगर एयरबैग्स की बात करें तो भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 6 एयरबैग है। हाँ, ये मानते हैं कि जो सेफ्टी पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं है गाड़ी के, लेकिन सेफ एयरबैग अपने को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं 1-2 स्टार तो गाड़ी ले ही लेती है, मारुति से तो ज़्यादा ही अच्छी है बिल्ड क्वालिटी अगर देखें तो, लेकिन मानते हैं, लेकिन फिर 6 एयरबैग भी देखने को मिलते हैं। ये गाड़ी ना आज के टाइम पर मार्केट खा रही है डिजायर की, ये मैंने कस्टमर रिव्यू में बोला था, बताया था, कस्टमर रिव्यू भी इस वीडियो गाड़ी का प्रॉपर आपके पड़े हैं। लेकिन बात है भाई, और इसकी बात करें तो भाई, गाड़ी कितनी रिफाइन है, अगर गाड़ी को ऑन करें तो देखें, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, गाड़ी न्यूट्रल है। और आवाज़ देखो एक बार, गाड़ी की आवाज़ चेक करो, बाहर आ गया, अब गाड़ी की आवाज़ चेक कराऊँ ना तो देखो, तो अगर गाड़ी की बात करूँ साइलेंट, कितनी साइलेंट गाड़ी है देखो भाई, आप चेक कर सकते हो आवाज़, इतनी ज़्यादा वो नॉइस इस गाड़ी के अंदर, और ज़्यादा नॉइस है मारुति की गाड़ी की तरह। ये भी बहुत साइलेंट गाड़ी अपने को देखने को मिल जाती है सेगमेंट के अंदर। और मैं इसके बताऊँ तो आपको सीएनजी टैंक के बारे में बात कर रहा था कि सीएनजी टैंक इसका बहुत ही बड़ा है अपने को देखने को मिल, अभी गाड़ी ऑन है तो ये होगा नहीं, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं अपने को, यहाँ से मैं अब ओपन करता हूँ तो जो सीएनजी टैंक वो इसका और गाड़ियों की इसके सेगमेंट वाली से ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और जो इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा भाई, वो इसका साफ फिन एंटीना, इसके अंदर आपको साफ फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ इस गाड़ी का, जो देखो यहाँ से आपको लुक देखो गाड़ी की, साइड में से अगर मैं आपको होकर लुक चेक कराऊँ तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ए पिलर ब्लैक, बी पिलर ब्लैक और सी पिलर यहाँ पर ब्लैक, और साइड में यहाँ पर पीछे देख कर, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा भी टच करोगे ना, टच करने के बाद आवाज़ देखो कैसी आती है, बिल्कुल ऐसे लगता है यहाँ पर मारुति का पतरा लगाया हुआ है। लेकिन गाड़ी की मारुति से तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी अपने को देखने को मिल जाती है, अलॉय देखने को मिल जाते हैं डायमंड कट के साथ में।